हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ये इयररिंग बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने ये 40 नंबर का धागा लिया है, 0.55 mm का क्रोचेट हुक, 2 हेड पिन ली हैं, स्टॉपर, जंप रिंग, हैंगिंग के लिए बीट और 1 बीट सेंटर में लगाने के लिए लिया है, फैब्रिक ग्लू, सीजर, कटर, प्लायर और स्टार्च। सबसे पहले एक रिंग बना लेंगे। वन चेन लेंगे, रिंग में सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर से रिंग में सिंगल क्रोशिया लेंगे। इस रिंग में हमें 10 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए 10 सिंगल क्रोशिया बना ली हैं। रिंग को बंद करेंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में यहाँ पर स्लिप स्टिच लेंगे, चेन बनाएंगे, 3 चेन लेनी है। सेम स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे, सेम स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से सभी स्टिच में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे। इस राउंड में 20 डबल क्रोशिया लिए हैं। ये देखिए इस तरह से 3 चेन लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे, सेम स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे। थ्री चेन लेंगे, डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पर अभी हमने 2 डबल क्रोशिया ली हैं, उसके सेंटर में हमें ट्रिपल क्रोशिया लेनी है। सेम गैप में ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। सेम गैप में डबल क्रोशिया लेंगे। सेम गैप में डबल क्रोशिया लेंगे। सेम गैप में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। सेम गैप में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए इस तरह से बना लेना है। टू डबल क्रोशिया के बीच में ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें ये देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया लेनी है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से बनाएंगे। अंदर की साइड से निडल लेंगे इस तरह से, हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया लेनी है, 2 ही डबल क्रोशिया लेंगे, 2 ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। सेम गैप में ये देखिए इस तरह से
थ्री चेन लेंगे, सेम गैप में स्लिप स्टिच लेंगे, ये देखिए इस तरह से हार्ट बना लेना है। चेन बनाएंगे, वन टू, टू चेन लेंगे, सर्कल को सीधा करेंगे इस तरह से, यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में टू डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में वन डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में टू डबल क्रोशिया लेंगे, ये देखिए इस तरह से इन टू डबल क्रोशिया पर हमने सेम पैटर्न बनाना है। ये देखिए इस तरह से ये हार्ट बनाया है, इसी तरह से यहाँ बनाएंगे। इस राउंड में हम फाइव हार्ट बना लेंगे, ये मैंने बना लिए हैं, टू चेन लिए हैं। नेक्स्ट वाले स्टिच में यहाँ पर डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में टू डबल क्रोशिया लेंगे, ये राउंड शुरू करने से पहले हमने थ्री चेन ली थी, उसकी थर्ड चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच लेंगे, वन चेन लेकर धागे को कट कर देंगे, ये देखिए इस तरह से बना लेना है। अब हम सर्कल बनाएंगे, एक रिंग बना लेंगे, चेन बनाएंगे, थ्री चेन लेंगे, रिंग में डबल क्रोशिया लेंगे, इस रिंग में हम 15 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने बना ली हैं, रिंग को बंद करेंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में यहाँ पर स्लिप स्टिच लेंगे, धागे को कट कर देंगे, ये देखिए इस तरह से रिंग बना लेना है। अब हम स्टार्च लगाएंगे, ये देखिए हार्ट को साइड से इस तरह से बैक साइड पर हम स्टार्च लगाएंगे, इसी तरह से सभी हार्ट पर लगा लेंगे, बैक साइड पर भी हमें स्टार्च लगा लेना है और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम हैंगिंग बनाएंगे, हेड पिन में बीड लेंगे, इस तरह से इसे साइड में मोड़ लेंगे, एक्स्ट्रा हेड पिन को कट कर लेना है, गोल प्लायर से इस तरह से हम हैंगिंग बना लेंगे, जंप रिंग लेंगे, जंप रिंग को खोल लेना है, इसमें हम हैंगिंग बीड को डाल लेंगे इस तरह से,
हेड पिन में बीट को डाल लेंगे दूसरे वाले। अब हम शेप देंगे इस तरह से, पैटर्न को सीधा करेंगे। ये देखिए सभी हार्ट को हम इस तरह से खोल लेंगे। ये देखिए इस तरह से टू हार्ट के सेंटर में यहाँ पर हम, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें हैंगिंग को लगाना है। यहाँ पर हम जंप रिंग को लगा लेंगे अच्छे से। जंप रिंग को अच्छे से बंद कर लेना है। ये देखिए इस तरह से सेकंड हैंड हेड पिन को लेंगे। सेंटर में लगा लेंगे इसको। बीट के में नीचे की साइड में हम ग्लू लगाएंगे। इसको अच्छे से चिपका देना है। सर्कल की, ये जो हमने सर्कल बनाया था इसमें बैक साइड पर ग्लू लगाएंगे। सर्कल को हेड पिन में लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारा इयररिंग बन गया है। हमारे इयररिंग कंप्लीट है।